राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे भगवान श्री गणेश की जय हो आइए गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं भगवान श्री गणेश की जय हो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की स्तुति करते हैं उनकी प्रार्थना करते हैं हे गणपति भगवान श्री गणेश हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से दूर रखें हमारा जीवन भले कामों में लगाएं हम सदैव पूजा अर्चना में लगे रहें तथा बुरी बातें और बुरी संगत की ओर ले जाने वाली बातों से सदा दूर रहें हम सदा ही स्वस्थ रहें जिससे हम भगवान के श्री चरणों में अपना जीवन अर्पित कर सकें हमारा मन भोग विलासिता को छोड़कर भगवान की सेवा शुशुरुआ में लगी रहे जिससे हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहें, हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए देवों के देव राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान हैं, उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति जी ये समस्त देवताओं की छिपी हुई शक्तियां हैं इनसे मनुष्यों का हित होता है श्री गणेश जी की जय हो आइए प्रेम पूर्वक भगवान श्री गणेश की कथा को सुनते हैं गणपति जी से पार्वती जी ने पूछा हे गणेश चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए कृपया विधि बतलाएं। इस दिन भोजन में क्या आहार लेना चाहिए इस माह के देवता का नाम बताएं और उनका पूजा विधान क्या है यह आप बताएं महादेवी से गणेश जी ने कहा कि हे माते चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए पूरे दिन व्रत रखकर रात को षोडश उपचार से पूजा करनी चाहिए ब्रह्म भोजन के बाद स्वयं व्रत धारण करने वाले को पंच गव्य पान कर रहना चाहिए यह संकट नाशक व्रत है इस दिन शुद्ध घी और बिजोरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियों के पुत्र होते हैं इसलिए हे शैल पुत्री इसका इतिहास बहुत ही अद्भुत है जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्यों को सिद्धि मिलती है उनकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ एक समय की बात है सतयुग में मकर ध्वज नामक राजा हुआ करते थे वे बड़े अच्छे ढंग से प्रजा का पालन पोषण किया करते थे उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे प्रजा को चोर डाकुओं आदि का डर बिल्कुल नहीं था सभी व्यक्ति उदार बुद्धिमान दानी व धर्मपरायण थे यह सब कुछ होते हुए भी राजा के यहाँ पुत्र की कमी थी कुछ समय के बाद श्री महर्षिवल जी की कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ राज्य का सारा भार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे राजपाट हाथ में आने से मंत्री धर्मपाल जी धनवान हो गए मंत्री के पांच पुत्र हुए मंत्री जी के पुत्र विवाह के योग्य हो गए फिर मंत्री जी ने अपने पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया वे धन का सुख भोगने लगे सबसे छोटे पुत्र की अत्यंत ही थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा अर्चना की ऐसा करते देख उसकी सास ने कहा अरे क्या जादू टोने तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही हो बार बार रोकने पर भी जब वह नहीं मानी तब सास ने कहा मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी मुझे यह सब पसंद नहीं है बहू ने इस पर कहा कि मैं तो संकट नाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ यह बहुत ही फलदायक व्रत है पुत्र वधु की बात को सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र तुम्हारी पत्नी क्या टोना कर रही है वह मेरे कई बार मना करने पर भी अपने जिद के कारण नहीं मान रही है इसे मार पीट कर ठीक कर दो मैं गणेश को नहीं जानती यह कौन है हम लोग राजघराने से संबंध रखते हैं और हमारी किस विपदा को यह नष्ट करेंगे माँ के कहने पर पुत्र ने बहू को बहुत मारा यातना सहकर भी बहू ने इस व्रत का नियम पालन किया पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणपति हे विघ्न विनायक मेरे सास ससुर को कोई ऐसी यातना दीजिए जिससे कि आपके प्रति वह सहज ही विश्वास और आस्था की भावना रखें भगवान विश्व आत्मा गणपति जी ने उस समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा दिया और उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर वहीं राजमहल के अंदर ही फेंक दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए यह देख करके के राजा ने तुरंत अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा राजकुमार कहाँ चला गया है किसने यह बुरा कार्य किया है बिलाप करने लगे राजा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है राजा से मंत्री ने कहा कि हे राजन राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है मैं अभी नगर में घोषणा करवाता हूँ इसके बाद राजा ने अपने नौकरों अंगरक्षकों मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने निकल पड़े जब कहीं भी राजकुमार का पता नहीं चला तब उन्होंने राजा से डरते हुए स्वर में कहा हे महाराज अपहरण का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया है राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा है ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहाँ है मुझे सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा मैं वध कर दूंगा और तुम्हारे सारे कुल को नष्ट कर डालूंगा राजा के मुख से यह डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया मंत्री ने कहा कि हे राजन मैं अभी पता लगाकर आता हूँ कि किसने यह अधर्म और बुरा कार्य किया है धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्र तथा सभी बहुओं से पूछताछ की मेरे वंश का नाश हो जाएगा ससुर की यह बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि दादाजी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं आप पर जी कुपित हुए हैं इसलिए आप गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए राजा के साथ नगर के सभी व्यक्तिगण संकटनाशक करें तो गणेश नहीं होगा छोटी बहू की बात को सुनकर सास ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू तुम धन्य हो तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी तथा राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए सब लोगों के समक्ष शीघ्र उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए राजा के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए राजा ने कहा हे विघ्न विनायक आप धन्य हैं और मंत्री जी की पतो हो को भी धन्य है जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मिल गया अतः समस्त जन इस व्रत को सदैव विधिवत करते रहें श्री जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों में इससे बड़ा दूसरा कोई व्रत नहीं है आप भी अपने क्लेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर जी ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की कृपा से अपने खोए हुए राज को पुनः प्राप्त कर लिया भगवान श्री गणेश की जय हो माता पार्वती की जय हो भगवान शंकर की जय हो सभी भक्तों की जय हो दृश्य ऋषियों की जय हो अदृश्य ऋषियों की जय हो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश की जय हो अवश्य लिख दीजिएगा चैनल को लाइक कर दीजिएगा